श्री बंजारन, ए जी, अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। आपकी क्या शर्त है? हाँ, मेरे पास दो बच्चे हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। अच्छा। मेरी महारानी स्वर्गवास हो गए, अगर तुम दोनों बच्चे को माँ की प्यार देगी, अपने बच्चे की तरह दोनों बच्चे को देखभाल करेगी, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या उस महल में आपकी महारानी नहीं है? नहीं है। वो दोनों बच्चे माँ के लिए रोते हैं। अगर मैं वहाँ जाके उनको माँ का प्यार दूंगी तो आप मुझे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे? ए जी, जन्माया हुआ बेटा बेटी और बनाया हुआ घर तो किसी भाग्य वालों को ही मिलता है। इसलिए मैं तो बहुत भाग्यशाली नहीं हूँ कि जिस महल में मैं जाना चाहती हूँ। अच्छा। उस महल में मेरे जाने से पहले मेरे दो बच्चे हैं। क्या मेरे बच्चे को तुम माँ की प्यार देगी? बिल्कुल। अपने पुत्र और पुत्री की तरह देखभाल करेगी? हाँ जी। तो चलो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ। चलो, क्या मास्टर साहब, ये वादा न तोड़, ये वादा न तोड़, ये वादा न तोड़, ये वादा न तोड़, तुम मो न मो, ये वादा न तोड़, तुम मो न मो, ये वादा न तोड़।
सच्ची गांव में जहां मंदिर होगा उस मंदिर में हम लोग सिंदूर दान कर ले। किधर है मंदिर भैया? इस मन गांव में आगे ना चलो चलो चलते हैं। दो चार आदमी घी दूध गाने वाला चलिए, तब तक मंदिर में एगो बल्ब लगवा दीजिए और हम दोनों प्राणी यहां से जा रहे हैं। चलो वहीं सिंदूर दान करेंगे, उसके बाद यहां से हम लोग इंद्रपुत्र चलेंगे। ठीक है भैया, इसका आवाज छोड़ने लगे। अरे अरे चेक चलो चलो जी।